नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। भारतीय समता समाज पार्टी ने मनाई डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार की जयंती। रविवार को भारतीय समता समाज पार्टी द्वारा संविधान निर्माता पद्मश्री डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार की 116वीं जयंती आनंद हॉल डाउन लाइन अचोले रोड नाला सुपारा ईस्ट पालघर में मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजीव प्रजापति ने कहा, समाज और देश में समता, एकता और भाईचारा के विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए गरीबों की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा रत्नप्पा जी से मिलती है। आने वाले आगामी चुनाव में पार्टी महाराष्ट्र में अपना प्रत्याशी उतारेगी। समाज के लोगों ने निवेदन किया कि सभी रत्नप्पा जी की विचारधारा पर चलें। देखिए इस खबर को उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। आप देख रहे हैं उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़। उत्तर शक्ति टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत अभिनंदन बंदर है। आज हम आए हैं मुलाकात करवाते एक ऐसे नेता से जो कि यूपी से चलकर महाराष्ट्र की धरती पे आए हुए हैं और भारतीय समता समाज पार्टी का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं कि आप यूपी से आए हुए हैं, क्या यहाँ महाराष्ट्र में आपने क्या किया? देखिए महाराष्ट्र के रहने वाले थे भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार जो कि कोल्हापुर इचलकरंजी गांव के रहने वाले थे, जिन्होंने संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पे अपना साइन किया था और जो हमारे देश में सहकारी समिति चल रही है उसके जनक थे डॉक्टर रत्नप्पा कुंभार। उन्हीं की जो है 116वीं जयंती थी। जैसे हालांकि 15 सितंबर को मनाया जाता है, कार्यक्रम ज़्यादा होने के नाते भारतवर्ष के कई राज्यों में कार्यक्रम थे, इसकी वजह से हमने यहाँ का कार्यक्रम आज जो है 22 तारीख को रखा है। आप बता रहे हैं कि डॉक्टर रत्नप्पा भरप्पा जी का जो जयंती मनाए रहे थे, क्या उनके बारे में जानना चाहते हो, बता सकते हैं? देखिए हमारा एक ही उद्देश्य है, जैसे कि आज भारत देश जो है आप सभी लोग जानते हैं कि कई धर्म जात और संप्रदाय में बटा हुआ है जी। तो भारत देश में समता का अधिकार जो है गरीबों को नहीं मिल पा रहा है। हर जगह आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो है गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीबों के उत्थान के लिए जो है भारतीय समता समाज पार्टी काम कर रही है और रत्नप्पा कुंभार जी को आइकन मानकर उनके विचारों पर चलकर गरीबों की लड़ाई लड़ रही है। कहीं भी कोई घटना दुर्घटना होती है जो है भारत वर्ष के 2800 राज्यों में हम लोग, हमारी जो है टीम के लोग सदैव 24 घंटा तत्पर रहते हैं और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जितने भी हमारे महाराष्ट्र के पदाधिकारी हैं जिन्होंने इतना भव्य रूप से कार्यक्रम किया जितना कि हमने आशा नहीं किया था। और आने वाले चुनाव में हम बढ़ चढ़ कर जो है महाराष्ट्र में अपना कैंडिडेट ज़्यादा से ज़्यादा उतारने का प्रयास करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कहा कि महाराष्ट्र में हम अपना कैंडिडेट उतारने का प्रयास करेंगे। हम जानना चाहते हैं सर आपसे कि आपका भारतीय समता समाज पार्टी जो मुंबई में आज पहला विस्तार रखा है, पहला मीटिंग है, इसके पहले भी हो चुका था, ये हमारा 5वां कार्यक्रम था जी। ठीक है, आज से जो है कि हमने 2020 में एक कार्यक्रम किया था, उसके बाद कंटिन्यूस हर वर्ष जो है हमारा कार्यक्रम होता रहता है और हम आने वाले 23 दिसंबर को एक भव्य कार्यक्रम करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की धरती पर। महाराष्ट्र की धरती पे आप ये बता रहे हैं डॉक्टर संजीव प्रजापति जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय समता समाज पार्टी के, और बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है महाराष्ट्र की धरती पर। हम जानना चाहेंगे, हमारे बगल में बैठे हुए हैं बाबा प्रजापति जी जो कि समाज में बहुत सारा इन्होंने समय देते रहते हैं, जानना चाहते हैं कि आप भारतीय समता समाज पार्टी का जो कार्यक्रम है उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम बताया तो हम पहली बार भारतीय समता जो पार्टी है इसके साथ में मैंने पहली बार एक मंच पे आए और बात किए तो हमको ये चीज़ मालूम पड़ा कि प्रजापति समाज के अंदर बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे संस्था बनाए हुए, लेकिन ये संस्था के अंदर कुछ अलग ही कहानी है क्योंकि यहाँ पे पहली बार तो अपने को खुद को आईना दिखाया जाता है। आईना इसलिए दिखाया जाता है कि हम कौन है, रत्नप्पा जी के सामने रखे, जो रत्नप्पा जी को जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने इतिहास बनाया, जिस तरह से उन्होंने प्रजापति को उजागर किया, जिस तरीके से प्रजापति के नाम अच्छी तरीके से बना हुआ था वो हम प्रजापति लोग भूल चुके थे, लेकिन उनके बातें सुन के उनके बारे में जानकारी कि जो भारतीय समता पार्टी ने जो हम लोगों को दिया है जो बहुत बेहतर तरीके से दे रहा है जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत आनंद आ रहा है, तो ये हमको मालूम पड़ रहा है क्योंकि हम अपने प्रजापति हम लोग अपने आप को एक्चुअली भूल चुके हैं कि हम क्या हैं, हम किस वंशज से ही हम लोग को नहीं पता है, तो ये हमको भारतीय समता पार्टी हमको दे रही है तो जिसकी वजह से बहुत आनंद आ रहा है। और आज एक छोटा सा प्रोग्राम हुआ जिसमें हमारे कुछ भाई लोगों जैसे नीलेश प्रजापति हो गए, सचिन प्रजापति हो गए, जैसे बहुत सारे भाई लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को किया और जिसमें हमारे डॉक्टर संजीव प्रजापति जी उत्तर प्रदेश से मुंबई के अंदर आए और मुंबई के अंदर आने के बाद ऐसा लगा कि अपने प्रजापति समाज के अंदर ऐसे ऐसे नेता लोग हैं, ऐसे ऐसे मतलब हम लोगों को आईना दिखाने वाले।